सिर्फ 3 साल की बच्ची। आरोप है कि दरिंदों ने पहले उसके हाथ पैर काटे, फिर उसके शव को जलाने की कोशिश की और बाद में उसके अध जले शव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया, जहां जंगली जानवर और कुत्ते उसके शव को नोच नोच कर खाते रहे। 3-4 दिन बाद बच्ची का शव मिला तो लोगों में आक्रोश फैल गया। बच्ची के साथ रेप की भी आशंका जताई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची का गला दबाकर मारने की बात सामने आई है। ये घटना है अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक विशेष समाज से थे। इस पर कुछ लोगों ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। अब पूरा मामला जान लेते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अक्रम ने बताया कि अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के बूढ़ा गांव में राकेश हैं, ये बदला हुआ नाम है उनका। उनकी 3 साल की बेटी ट्विंकल, वो करीब 4 दिन से लापता थी। परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय जो टप्पल थाना था वहाँ लिखवा दी। अचानक 2 जून को सुबह गांव के कुछ एक लोगों को एक कूड़े के ढेर के पास कुत्ते कुछ मांस जैसा खाते नजर आए। पास जाकर लोगों ने देखा तो एक बच्ची का शव था। उसके हाथ पांव जो थे वो शरीर से अलग पड़े थे। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तब तक राकेश के परिजनों ने बच्ची के शव को पहचान लिया। इसके बाद लोगों ने एक संप्रदाय विशेष के लोगों के खिलाफ गुस्सा जताना शुरू कर दिया। अब बात यह कि हत्या का आरोपी कौन है। इस केस में अब तक आरोपी जाहिद और असलम को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है। इन दो पर ऐसा सामने आ रहा है कि ये दोनों इस मामले के मुख्य आरोपी हैं। खैर कस्बा, जिसके अंतर्गत ये टप्पल क्षेत्र आता है, वहाँ के सर्कल ऑफिसर पंकज कुमार श्रीवास्तव ने इंडिया टुडे को बताया कि देखिए 31/5 को जो है एक 2.5 साल की बच्ची जो है उसकी गुमशुदगी हुई थी। उसके परिवारजन ही थाने पर आए थे टप्पल थाने में, तो उसमें अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था अज्ञात के खिलाफ में। और उसके बाद पुलिस लगातार जो है उसको ढूंढ रही थी। उसके उपरांत जो है 2 तारीख को उसी बच्ची का जो शव है उसी गांव में एक जो है अज्ञात प्लेस है उसके अंदर खाली जो जगह थी वहाँ पर मिला था, चुन्नी में लिपटा हुआ। और उसके बाद में काफ़ी 3 दिन पुराना शव दिख रहा था। उसके बाद में इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसमें 302 की धारा की बढ़ोतरी की गई। उसके बाद में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, किसी भी तरह का कोई रेप नहीं हुआ था, परंतु गला दबा करके मारा गया था। जाहिद और मृतक बच्ची के पिता के बीच पैसे के लेन देन का एक विवाद हुआ था। बच्ची के पिता ने जाहिद को 40,000 रुपये उधार दिए थे। जाहिद ने 35,000 रुपये उसे वापस कर दिए, सिर्फ 5,000 रुपये बाकी रहते थे। जाहिद और असलम राजमिस्त्री का काम करते हैं जबकि बच्ची का पिता प्लम्बर है। पैसे के लेन देन को लेकर इन दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी। इस दौरान जाहिद ने बच्ची के पिता को देख लेने की धमकी दी थी। बाद में बच्ची के पिता से बदला लेने के लिए जाहिद ने असलम के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर टप्पल इलाके के कई गाँवों में खासा रोष दिख रहा है। ये पुलिस का वर्जन है जिसमें पुलिस ऐसा कह रही है कि असलम और जाहिद इस मामले में आरोपी हैं। गांव और बच्ची के जो परिजन हैं वो टप्पल थाना क्षेत्र का घेराव करने पहुंच गए थे। कुछ लोगों ने और किसान संगठनों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर धरने का ऐलान कर दिया था। बाद में अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी सभी को समझाया और भरोसा दिलाया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ग्रामीण किसी तरह शांत हुए, लेकिन सोशल मीडिया पर यह हंगामा अभी भी जारी है। ब्लू टिक वाले लोग यानी वेरीफाइड हैंडल्स वाले लोग गलत जानकारी फैलाने में जुटे हैं। इसे 2018 में आसिफा के साथ हुई वारदात के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि इसे नेगेटिव सेंस में जोड़ा जा रहा है। उन सेलिब्रिटीज को ट्रोल किया जा रहा है जिन्होंने आसिफा के लिए इंसाफ की मांग की थी। खैर, इस केस में जो भी अपडेट्स होंगे वो दी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स पाने के लिए डाउनलोड करना ना भूलें हमारी दी ललन टॉप की एंड्रॉयड ऐप। शुक्रिया।